ॐ नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवझायाणं नमो त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु परमेश्वरों विनम्र नमस्कार। जिनवाणी माता सरस्वती देवी को भक्तिपूर्वक नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। भारत में विराजमान आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमोस्तु। गणनीय आर्यिका माताजियों को और शेष आर्यिका माताजियों को विनम्र वंदन। ऐलक क्षुल्लक महाराजों को और क्षुल्लिका माताजियों को इच्छाकार प्रतीक्षाकार। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मिणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अब धन संपदा से अपने आप को सुखी समझने वालों के विषय में पूज्यपाद आचार्य महाराज ने कहा था कि एक शीत ज्वर से ग्रसित रोगी मानव घी खा करके तगड़ा होना चाहता है अथवा घी लगा करके शरीर का उपचार करना चाहता है, जबकि शीत ज्वर में उसके लिए वह वस्तु सर्पिश जिसको घी कहा गया है वह हानिकारक है। तो एक धनी निर्धनों की विपत्ति पर कभी कभी दृष्टिपात कर लेता है कि देखो हमारा कितना भाग्य है कि हम ऐसे संपन्न हुए हैं, और उन गरीबों को देखो पूर्व भव का पाप आज भुगत रहे हैं और कैसी दुर्दशा हो रही है उनकी। और कभी कभी कुछ दूसरे धनिकों पर जो संकट आते हैं उन पर भी उनका ध्यान चला जाता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कर्मों का कोई भरोसा नहीं है। कभी भी हमारी अवस्था पलट सकती है, ये उनको ध्यान में नहीं रहता। और ऐश्वर्य का जो मद होता है उस मद में मनुष्य कठोर भी बन जाता है, और कठोर बन करके वो अपने सगे संबंधियों से और अन्य जनों से समुचित व्यवहार नहीं करता, दुर्व्यवहार तक कर डालता है। और दुर्व्यवहार तो ठीक है, उनके प्रतिकूल होकर कभी कभी शत्रुता का भी बर्ताव कर डालता है। यहां आचार्य कह रहे हैं विपत्तिमात्मनो मूढ़ परेशामिव नीक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तरुस्थवत। परेशान विपत्तिम एव मूढ़ आत्मना विपत्तिम न ईक्षते। जिस तरह ये मोही प्राणी दूसरों को संकटग्रस्त देखता है अपने संकट को देखना भूल जाता है कि मेरा क्या होने वाला है, दूसरों को ही देखता रह जाता है। उदाहरण दिया दह्यमान मृगाकीर्ण,
जलते हुए मृगों से आकीर्ण अर्थात व्याप्त वनांतर किसी वन के अंदर तरुस्तवत कोई मूढ़ मनुष्य पेड़ पर स्थित हो जाए, वृक्ष पर आरूढ़ होकर देखता है कि देखो वो हिरण जला, वो सियार फंस गया आग में और वो पक्षी लपटों में आ गया। इस तरह दूसरों के संकट को तो वो देख रहा है पेड़ पर बैठे बैठे, लेकिन वो ये नहीं देख रहा है कि एक लपट उस वृक्ष की ओर भी आ रही है जिस पर वह आरूढ़ है। कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरों को देखने वाला अपने को देखना भूल जाता है। जैसे एक किस्सा आता है बचपन में सुनते थे अपन कि नदी पार करने के बाद वो सारे मित्र गिनती लगाते हैं, तो गिनती में एक कम आ रहा था तो सब बड़े चिंतित हो रहे थे कि वो एक गया कहाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच में नाव से गिर गया हो, अपना सबका ध्यान इधर कहीं दूसरी दिशा में हो और वो डूब गया हो। बहुत आकुल व्याकुल हो रहे थे। फिर कोई एक अन्य मनुष्य आता है और पूछता है कि आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हो, क्या कारण है? तो वो कहते हैं कि हम लोग गिन करके निकले थे, नदी पार करके यहाँ आए थे, लेकिन अब एक की गिनती कम हो रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो मेरे सामने गिनो। तो सबने गिनती लगाई, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 सबने लगाई। तो फिर उसने पूछा कि कितने थे तुम लोग? बोले हम लोग 7 थे। तो बोले देखो मैं गिन के बताता हूँ, ऐसे सीधे खड़े हो जाओ एक कतार में, एक पंक्तिबद्ध खड़े हो जाओ, 1 2 3 4 5 6 7। वो लोग बड़े अचंभित होते हैं, बोले कि ऐसा कैसे हो गया? तो बोले तुम में से किसी ने भी अपने आप को नहीं गिना था, सब वहाँ से 1 2 3 4 ऐसे गिनना चालू कर रहे थे। तो ये स्थिति संसारी प्राणी की है कि अपना क्या होगा, जब संकट आता है तब सबको अपनी पड़ती है, लेकिन वैसे तो दूसरों पर अगर संकट आता है तो उन्हीं को देखते रहते, अपने पर आने वाला है ये नहीं सोचते। यहाँ आचार्य महाराज ने यही कहा है। और इसका कारण भी बताया कि उसका विवेक चला जाता है ऐश्वर्य के मद में, वो भूल जाता है कि मैं एक साधारण मनुष्य था, ये सब ठाट बाट तो बाद में आया है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो उन घरानों में जन्म लेते हैं जहाँ पर संपन्नता होती है, पर लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। लक्ष्मी का एक नाम है चंचला, पता नहीं कब छोड़ के चली जाए। तो आचार्य महाराज बतलाते हैं कि धनिक जनों की जो दशा है, देखो जो निर्धन है वो धनिकों को सुखी समझ रहे हैं, आचार्य महाराज सबको समझा रहे हैं कि हे धनिको तुम भी सुखी नहीं हो, और हे निर्धनों जो तुम समझ रहे हो कि वो सुखी है वो भी तुम्हारा भ्रम है। देखिए आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हे तुम कालस्य निर्गमम वांछतां धनिनामिष्टं जीवितात् सुतरां धनम। आयु के क्षय का हेतु और वृद्धि के उत्कर्ष का हेतु, वृद्धि को उर्दू भाषा में ब्याज कहते हैं,
कालस से निर्गमन, समय का जो निकलना होता है, काल का जो निर्गमन होता है, उसमें दो घटनाएं होती हैं। एक तो आयु का क्षय होता जाता है और दूसरा वृद्धि का उत्कर्ष होता जाता है, यानी ब्याज बढ़ता जाता है। जैसे जैसे समय निकलता जाता है ब्याज में वृद्धि होती जाती है। तो धनी जन क्या चाहते हैं, उन्होंने जिसको कर्ज पर धन दे रखा है, उन्होंने जिसको ऋणी बना रखा है, तो वो जैसे जैसे समय निकलेगा तो अधिक ब्याज के साथ मेरी रकम लौट आएगा। जो धन राशि है मैंने जो उसको दी है जो ऋण के रूप में, वो अब जब भी लौट आएगा तो ब्याज के साथ लौट आएगा। तो उसकी वांछा करते हैं, वांछताम धनिनाम, धनी जन उसकी वांछा करते हैं कि चलो एक साल निकल जाना तो फिर अच्छा ब्याज वसूल करेंगे। तो आचार्य कहते हैं कि उन धनिकों को केवल ब्याज की वृद्धि का कारण दिख रहा है, काल का निर्गमन, समय निकल रहा है, उनको केवल इतना ही दिख रहा है कि जैसे जैसे समय निकल रहा है मेरा मुनाफा बढ़ रहा है, मुझे लाभ अधिक हो रहा है। लेकिन वो ये नहीं देख रहा है कि काल का गमन, काल का निर्गमन दो कार्यों का कारण है। एक तो ब्याज की वृद्धि तो हो ही रही है, लेकिन दूसरा कार्य क्या हो रहा है काल के गमन से, आयु का क्षय होता जा रहा है, आयु घटती जा रही है, अर्थात जीवन कटता जा रहा है। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि उन धनिकों को जीवितात् धनम सुतराम इष्टम, जीवन से अधिक इष्ट धनम, धन है। यानी जीवन कटता जा रहा है, समय कट रहा है तो उसके साथ में जीवन भी कट रहा है, ब्याज बढ़ रहा है, उसको सिर्फ ब्याज बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि ये जो धन की तृष्णा है ये मनुष्य को अंधा बना देती है, और उस लोभ के कारण वह अपने जीवन के विनाश को नहीं देखता। वह अनमोल जीवन, जिस जीवन से बढ़ करके धन कभी नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति होती है। कोई शंकाकार आचार्य महाराज से पूछता है कि आचार्य महाराज आपने धनिकों की और धन की तो खूब उड़ा दी, यानी आपने बिल्कुल एक प्रकार से धन को महत्व नहीं दिया आपने। लेकिन हमारा निवेदन है कि धन के बिना धर्म नहीं होता, इस विषय में आप क्या कहेंगे? आचार्य पूज्यपाद स्वामी से कह रहे हैं कि आप क्या कहेंगे, धन के बिना धर्म होता है क्या? यहाँ तक कि साधुओं का जो आहार होता है वो आहार भी गृहस्थ धन से ही प्राप्त करता है। फिर यदि साधु को आहार नहीं देंगे तो साधु रत्नत्रय धर्म का पालन कैसे करेंगे? तो चाहे वो धनार्जन करने वाले हो चाहे सन्यासी हो, लेकिन सबका कार्य तो धन से ही चलता है। किसी का सीधे सीधे सामने प्रत्यक्ष चलता है, किसी का परोक्ष रूप से चलता है काम। धर्म की प्रभावना कैसे होती है? धन के बिना तो नहीं होती। और कितने सारे काम होते हैं धन से, ऐसी शंका करके आचार्य पूज्यपाद स्वामी के सामने वो शंकाकार ये सोच रहा है कि अब तो आचार्य महाराज धन का महत्व स्वीकार करेंगे, जब मैंने इतनी बातें की हैं, मैंने अपना प्रश्न इतने सुंदर ढंग से रखा है, तो आचार्य महाराज अवश्य स्वीकार करेंगे कि हाँ उस अपेक्षा से तो धन अच्छा ही है,
ऐसा तो कम से कम कहेंगे, तो मैं धन की तारीफ पर सुनना चाहता हूँ, मेरे कानों को बहुत अच्छा लगता है। आचार्य देखिए क्या उत्तर देते हैं, त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्तः संचिनोति यः स्वशरीरं सपंकेन स्नास्यामीति विलिम्पति। अर्थस्योपार्जने दुःखं मर्जितस्य च रक्षणे आये दुःखं व्यये दुःखं दिगर्थं दुःखभाजनम्। और भी नीतिकारों ने, आचार्यों ने धन के विषय में ऐसी चर्चा की है शास्त्रों में कि अर्थ का उपार्जन करने में भी कठिनाई होती है। खर्चा करो तो जब धन का अपने से वियोग होता है तब भी कष्ट होता है, जब आता है तब भी कष्ट देता है, जाता है तब भी कष्ट देता है। तो ये कष्टों का पात्र धन वस्तुतः धिक्कार का पात्र है। अब आचार्य पूज्यपाद स्वामी से पूछे हुए प्रश्न का उत्तर देखिए कि यह अवित्त कोई निर्धन मनुष्य है, वो कहता है कि मैं ईमानदारी से सत्य निष्ठा से धनार्जन करूँगा, कोई छल कपट और ऐसे लोभ लालच से नहीं करूँगा, और मेरा उद्देश्य केवल यही रहेगा कि मैं उस धन से दान करूँ और उस धन से पुण्य कमाऊँ। ठीक है, कुछ धन तो कुटुंब को चलाने के लिए लगता ही है, वो उतना छोड़ करके बाकी में जितना धन है उसको दान में और पुण्य में लगाना चाहता हूँ। तो ऐसा सोच करके यह अवित्त वित्तम संचिनोति, जो निर्धन मनुष्य वित्त का संचय करता है, आचार्य कहते हैं कि सह वह मनुष्य पंगेन स्वशरीरम विलिम्पति किं कृत्वा स्नास्यामीति, वह कीचड़ को अपने शरीर पर लिप्त करता है, अपने शरीर पर पूरे शरीर पर कीचड़ लगाता है। अभी वो निर्धन है, धनार्जन नहीं किया उसने, लेकिन वो कह रहा है कि मैं इस उद्देश्य से धनार्जन करना चाहता हूँ कि मैं दान करूँगा और पुण्य कमाऊँगा। आचार्य कहते हैं कि वह मनुष्य कीचड़ से अपने शरीर को लिप्त करता है, क्यों? क्योंकि सुबह का समय है, थोड़ी देर बाद तो नहाना ही है, ये उसके अंदर का विचार है। यानी नहाने के पहले वो अपने शरीर पर कीचड़ लगाता फिर नहाता है, ऐसी चेष्टा है उस मनुष्य की जो इस समय धनार्जन संबंधी कर्म बंध से रहित है क्योंकि निर्धन है। अब धनार्जन करके वो पुण्य और दान करना चाह रहा है, तो आचार्य कहते हैं कि वो ऐसी प्रवृत्ति करना चाह रहा है जिनको पुण्य से प्राप्त हुआ है धन और जो आजीविका करके धनार्जन कर ही रहे हैं, उनके लिए आचार्यों ने कहा है, भाव संग्रह ग्रंथ में कहा है, यानी जैन मान्यता के अनुसार, चाणक्य नीति के अनुसार तो अपनी आय का दसवां भाग धर्म में लगाने योग्य होता है, लेकिन जैन शास्त्र के अनुसार भाव संग्रह ग्रंथ में देवसेन आचार्य लिखते हैं कि अपनी आय का छठा भाग धर्म में लगाइए। साल में आप 6 लाख कमाते हैं तो 1 लाख आप धर्म में लगाइए। यहाँ आचार्य कहते हैं कि तुम धनवान बनना चाहते हो और ये अभी कह रहे हो कि तुम दान और पुण्य के लिए धन कमाओगे, पर कोई भरोसा नहीं, आगे चलकर दिमाग पलट जाए, क्योंकि ये धन जो है उसमें कोई ऐसा करंट है कि वो जब दूर होता है तब बड़े अच्छे विचार आते हैं और जब पास आता है तो फिर सब खेल ख़त्म कर देता है, दिमाग पलट जाता है।
जैनम जय दुशासन।